व्यक्ति निर्दोष पालन के लिए उससे संबद्ध अतिकारों तथा भावनाओं पर निर्देश भी किया गया, जैसे सत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, सेवक के लिए चोरी उत्तीर्ण देना, सेवक आहार दान, चोरी का माल खरीदना, विरुद्ध राजाधिक्रम मतलब दान नियम विरुद्ध चोर बाजारी आदि करना, मानव को मान मतलब पांच तराई में हेर फेर कर कम अधिक करना, प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट खादी कर नकली असली बताकर बेचना, ये अचोरम व्रत के अतिचार हैं, अर्थात इनके करने पर अनुव्रत सदोष हो जाता है। अचोरम व्रत की पांच भावना है, शून्य गारवास मतलब गुफा आदि निर्जन स्थानों में रहना, दूसरा विमोचिता वास स्वामी रहित उजाड़ स्थानों में रहना, तीसरा परोपरोधाकरण मतलब जहां ठहरे वहां अन्य किसी को आने जाने से ना रुकना, चौथा वृक्ष भी स्वादित वस्तु को अपने हिस्से से अधिक ना लेना, शास्त्र मर्यादित भिक्षा लेना, और पांचवा सधर्मा विसंवाद मतलब सारंगिक कलह विवाद आदि ना करना, ये अचोरम व्रत की पांच भावनाएं हैं। आचार्य भगवान ने भगवती आरण्य ग्रंथ में तत्पांच रूपों में इनकी व्याख्या की है। भगवती आरण्य ग्रंथ का पारा का दो वनस्पति में भी बताया गया है अचोरम व्रत की भावनाएं, ज्ञानोत्तरण आदि को उनके स्वामी की स्वीकृति के बिना नहीं लेना, साथ रखा हुआ था मुनिराज की नोटबुक रखी हुई थी, प्रवचन की नोट रखी हुई थी, आप उनसे बिना मुझे उठाए और इतना शुरू कर लिया आपको अभी क्या न करेंगे। दूसरा स्वामी द्वारा दिए गए पदार्थ में आसक्ति का ना होना, दाता से कहना आपको इतना देना चाहिए ऐसा अपने प्रयोजन का ही देना, ग्रहण करने योग्य वस्तु में ज्ञान चारित्र की साधक वस्तु को ही लेना, अनुपयोगी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, इसी प्रकार चौथा गोचरी आदि में गृह स्वामी की अनुज्ञा के बिना घर में प्रवेश ना करना, और शास्त्रानुसार ग्रहण योग्य वस्तु को ही याचना करना, ऐसे पांच भावनाएं अचोरम व्रत की बताई गई। जब तक श्रावक साधक को भक्तिभाव पूर्वक शुद्धि पूर्वक आमंत्रित न करे बुलाए तब तक साधक किसी श्रावक के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। आहार क्रिया को कहे गोचरी मतलब आहार क्रिया, स्वामी की अनुज्ञा के बिना घर में प्रवेश ना करना, वो बोले मम ग्रह में प्रवेश कीजिए तभी मम ग्रह में प्रवेश करना, वरना दरबार ऊपर खड़े रहना, और यदि नहीं बुलाता है तो वहां से लौटकर अपने मंदिर वापिस आ जाना, ये विधि है। इसी तरह ब्रह्मचर्य संतों की ब्रह्मचर्य और संतों इन दोनों को भी तीन परिवार के सदस्य रूप में बताया गया है। ब्रह्मचर्य के भी व्यवहार और निश्चय लेके आधार पर दो भेद हैं, इनमें निश्चय ब्रह्मचर्य का स्वरूप भगवती आरण्य ग्रंथ काटा 872 में इस प्रकार बताया गया है। वहां कहा ब्रह्म शब्द का अर्थ है जीव, उस ब्रह्म में ही स्त्री पुरुष आदि देवों से शून्य व्रत होते हुए मुनि की चर्या करना, उसी में ग्रहण करना, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। व्यवहार वैसे भी ब्रह्मचर्य के स्वरूप को कार्तिक के अनुपरीक्षा ग्रंथ गाथा 403 में इस प्रकार कहा गया है कि जो मुनि स्त्रियों के संग से बचता है, उनके रूप को नहीं देखता और काम कथा आदि नहीं करता, उसके नग्दा ब्रह्मचर्य होता है। नग्दा मतलब मन वचन कार्यक्रम कार्यक्रम होता है। 12 का ग्रंथ गाथा 80 में भी इसका निरूपण इस प्रकार प्राप्त होता है। बताया गया कि जो पुण्यात्मा सभी स्त्रियों के सुंदर अंगों को देखकर
उनमें राग रूप परिणाम नहीं करता, वही एक दुर्धर ब्रह्मचर्य का धारक हो सकता है। जब प्रकार के अभ्रम जीवन का त्याग, जब प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है, जब विधे अभ्रम जीवन का भगवती अगर ग्रंथ ज्यादा 873 में इस प्रकार अनुभव दिया गया है, तीन कथाओं के माध्यम से बताया गया दस प्रकार का अभ्रम सेवन क्या है। पहला, स्त्री संबंधी रूप आदि की अभिजाता करना, काम भोग साधन प्रेमी के विकार को दूर ना करना, विकार को साकार करना, इंद्रिय मदकारक आहार दवा आदि भी लेना, स्त्री संबंध संज्ञा का सेवन, स्त्रियों के उत्तम अंगों का पूजन करना, स्त्रियों का सम्मान करना, स्त्रियों को वस्त्र आभूषण आदि से भूषित करना, अतीत काल की अनुभूत रति क्रीड़ा का स्मरण करना, भविष्यकालीन रति क्रीड़ा करने आदि की अभिलाषा करना, और जन्मा इष्ट विषयों का सेवन करना, ये दस प्रकार की ब्रह्मचर्य को बताया गया। इस प्रकार जिस वह आग के समान दुखदायी अभ्रम के दस भेद जानना चाहिए। इन दस अभ्रम सेवन के भेद हैं, इनसे अभ्रम का सेवन होता है। यह प्रारंभ में मधुर प्रतीत होते हैं, प्रारंभ में अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं, किंतु परिणाम में अत्यंत कटु सिद्ध होते हैं, अर्थात दुखदायी ही होते हैं। ब्रह्मचर्य के महात्म का वर्णन भी वही गाथा 11:9 इस प्रकार किया गया है कि तीनों लोक रूपी गंध को जलाने वाली और विषय रूपी वृक्षों में प्रज्वलित यह काम रूप आग यौवन रूपी किरणों पर चलने में चतुर जिन मनुष्यों को नहीं जलाती वह धन्य है, वही धन्य है। संतोष का अर्थ है आत्मीय संतुष्टि या तृप्ति, संतुष्ट होना चाहिए। यह बताया गया हर क्षेत्र में, हर स्थान पर, हर जगह संतुष्ट होना चाहिए। खाने में, पहनने में, सोने में, बोलने में, कोई भी क्रिया करते हैं संतुष्ट होना चाहिए। वस्त्र जैसे मिले पहन लिए, भोजन जैसा मिला खा लिए, नियम के लिए स्थान जैसा मिला सोली, कपड़े आदि मिले ना मिले संतुष्ट रहना। उत्तम सौंस धर्म के साधक के लिए यह संतोष स्वभाव का होता है। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ गाथा 357 में कहा भी गया है कि जो संता भाव वह संतोष रूपी जल से कृष्णा व लोक रूपी मल के समूह को साफ करता है, तथा जो भोजन में वृद्धि मतलब लोभ नहीं करता उसके निर्मल शौच धर्म होता है। संतोषी व्यक्ति कहते ना सभी जगह कहावत हो, संतोषी व्यक्ति सुखी रहता है, हमेशा सुखी, क्योंकि संतोष उसके लिए परम धन होता है। धन से सहित भी व्यक्ति अपने असंतोष के कारण दुखी रहता है, किंतु निर्धन व्यक्ति ही संतोष संपन्न होकर सुखी रहता है। एक गरीब व्यक्ति दो रोटी रोटी को कमाता है और खाकर के चैन की नींद सो लेता है, और एक अमीर व्यक्ति पैसों को कमाते कमाते थक जाता है, ना दिन का चैन ना रात की नींद, रात को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ती है, और सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी का प्रयोग करना पड़ता है, ना उसके सोना बंद है ना उसके जागना बंद है, ऐसा धन किसका होता। संतोष संपन्न होकर सुखी है, संतोष ना हो तो विषय दृष्टि रूप शील की स्थिति संभव नहीं होती, और संतोष होने पर भी शील संपदा प्रकट होती है, इसी दृष्टि से उसका शील परिवार में परिग्रहण किया गया है। इस प्रकार हे अभ्यास समस्त सील परिवार को मन में बैठा कर
होते ही समाधान पूर्वक व यत्न पूर्वक धारण करो। यह एक बाधा का कारण हुआ। अब शरीर से क्या क्या सिद्ध प्राप्त होता है अथवा उसकी महत्ता या उपाधि का क्या है, इस विषय में आचार्य अपना मत अपनी गाथाओं प्रकट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय गुरु पारसनाथ भगवान की।